सुरेश चवन के, जो अपनी पत्रकारिता के लिए कम और विवादित बयानों के लिए, विवादित वीडियोस दिखाने के लिए, विवादित एनिमेशन दिखाने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। सुरेश चवन के ने हिंदी दिवस के मौके पर शाहरुख खान का नाम घसीट लिया और जैसे ही उन्होंने शाहरुख खान का नाम घसीटा, शाहरुख खान के फैंस के वो निशाने पर आ गए और उनके खिलाफ ट्रेंड चलने लगा। शाहरुख खान की पिछली कुछ मूवीज़ बेशक बिजनेस ना कर पाई हों, लेकिन शाहरुख खान के फैंस की कमी नहीं है और सोशल मीडिया पर अच्छा खासा बेस है शाहरुख खान के फैंस का, जिसके बाद शाहरुख खान के फैंस सिर्फ एक ही बात कहने लगे कि अरेस्ट सुरेश चवन के। अब हम आपको बताते हैं कि सुरेश चवन के ने आखिर में कहा क्या था। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस है आज और हिंदी में उर्दू का अतिक्रमण है। बॉलीवुड की फिल्मों में हिंदी के बीच में उर्दू भाषा के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इसके ज़िम्मेदार शाहरुख खान, जावेद अख्तर और कुछ हद तक गूगल भी है। यहाँ पर उन्होंने जैसे ही शाहरुख खान का नाम लिया, यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे टक्कर ले ली एक बहुत बड़े फ़ैन बेस से जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद है, और शाहरुख खान के फैंस नाराज़ हो गए। और शाहरुख, क्योंकि भाषाओं को कोई भी इतना नोटिस नहीं करता जब बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, हिंदी हो या उर्दू हो, लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो समझ में आ जाए वही भाषा होती है। और यकीनन हिंदी ही मातृभाषा है, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो हिंदी हमारे यहाँ बोली जाती है वो मिक्सचर हिंदी रह गई है। आजकल लोग बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इसके अलावा बीच बीच में उर्दू के वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, और जो शुद्ध हिंदी है वो आसपास कोई भी बोलता दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी अपने आसपास के वातावरण में देख देख के हिंदी के बीच बीच में इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो इस्तेमाल कोई भी नहीं बोलता, सब यूज़ का इस्तेमाल करते हैं जो लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। और इसी तरह के बहुत से वर्ड हैं, कोई धन्यवाद नहीं बोलता, सब थैंक यू बोलते हैं। तो इसी तरह के बहुत से वर्ड हैं जो ये दिखाते हैं कि शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता है, सब मिक्सचर करके बोलते हैं। कोई हिंदी के बीच में कुछ वर्ड उर्दू के बोल देता है, उनको पता भी नहीं होता, तो कुछ इंग्लिश के लोग बोल देते हैं, और इस तरह से एक ऐसी भाषा बन जाती है जो सभी की समझ में आती है। और जब कोई भाषा सबकी समझ में आ रही है, कन्वर्सेशन स्मूथली हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा किसी को दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है ये हिंदी नहीं है और मुझे हिंदी बोलनी है शुद्ध, तो यकीनन वो शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं या फिर शुद्ध उर्दू बोल सकते हैं, शुद्ध अंग्रेजी बोल सकते हैं। यकीनन जो सुरेश चवन के का ट्वीट था वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लगा कि शाहरुख खान और जावेद अख्तर को टारगेट करने के लिए ही था, इनका नाम को इस्तेमाल करने के लिए ही था, जिसके बाद ये ट्रेंड होने लगा और लोग चाहते हैं कि सुरेश चवन के की गिरफ्तारी हो जाए। वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो बार बार इस तरह की गलतियाँ करते रहते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि वो जान पूछ के करते हैं ताकि उनको पब्लिसिटी मिलती रहे, और वो पब्लिसिटी के भूखे हैं। खैर जो भी हो, ये बात भी साफ है कि सुरेश चवन के नाम पे ये वाली कॉन्ट्रोवर्सी जैसे ही ख़त्म होगी, सुरेश चवन के तुरंत दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी भी शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।